दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। मेरा नाम भारत जांगिड है। दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो में, ओस्कर की तरफ से 24 इंची जो LED TV आता है, काफ़ी स्लिम आता है दोस्तों। तो आज इससे पहले आपने जो वीडियो देखे हैं बैकलाइट के देखे हैं, जो ये सबसे ज़्यादा स्लिम LED आती है उसमें हमेशा साइड पैनल LED होती है। तो आज हम आपको इसके जो LED पैनल है उसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। बैक कवर के हम पेज खोल लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद में आपको दिखाते हैं किस टाइप की इसमें LED होती है। दोस्तों जितना ज़्यादा स्लिम हमारा LED TV होता है उसमें इतनी ही पतली LED स्ट्रिप मिलती है। ये हमने सबसे दोस्तों काफ़ी अच्छा इसमें प्रोटेक्शन ग्लास दिया हुआ है, जो हमारे TV को अच्छे से प्रोटेक्ट रखता है डिस्प्ले को। ये प्रोटेक्शन हर किसी कंपनी में नहीं मिलता दोस्तों, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका। ये हमारा बिल्कुल सुपर स्लिम पैनल देखिए दोस्तों, कितना स्लिम है। तो दोस्तों समथिंग ये जो पैनल है हमारा 10-12 mm ही मोटाई है इसकी, देखिए काफ़ी स्लिम है। इसको हम पहले ये LED स्ट्रिप की जो हमारी जैक है इसको हटा देते हैं, पैनल अलग कर लेते हैं दोस्तों। इसका फॉल्ट इसमें है कि इसमें ओनली आवाज़ आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो सप्लाई हमने चेक कर लिया, सप्लाई इसकी प्रॉपर आ रही है दोस्तों, जो इसका SMPS है उससे समथिंग 60 वोल्ट अनलोड पर आ रहे हैं। ये जो हमारी LED स्ट्रिप है उसका जैक है 54 वोल्ट, लोड पर इसमें 54 वोल्ट आते हैं। ये हमने इसका डिस्प्ले कनेक्टर हटा दिया है दोस्तों। जो हमारा LED पैनल का जो डिस्प्ले कनेक्टर है दोस्तों, इसमें एक हम देखेंगे, वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार, आपको दिखाते हैं। देखिए LED जो इसका IR ग्लो कर रहा है, सप्लाई देख के हमने कार्ड ऑन कर दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों LED ग्लो हुई हमारी IR वाली। ये दोस्तों हमने इसकी जो स्ट्रिप है निकाल ली है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने थोड़ा इसको निकालते वक्त वीडियो नहीं बना पाए। बाकी आप फिटिंग टाइम समझ जाओगे किस टाइप से लगी हुई थी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसमें 3 वोल्ट की 18 LED बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में, तो 54 वोल्ट इसमें जाते हैं दोस्तों, 54 वोल्ट से ऑपरेट है ये स्ट्रिप। ये देखिए दोस्तों ये जो हमारा पैनल होता है उसमें साइड में पेस्टिंग होती है इसकी। ये दोस्तों हमने जो
ये हमारा इसका पुरानी वाली एलईडी स्ट्रिप है, उसकी जो जैक है ये देखिए दोस्तों, 54 वोल्ट वाली जो सप्लाई है। हमारे पास ये देखिए दोस्तों, अभी आपको क्लोज करके दिखाते हैं, ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो एलईडी स्ट्रिप है 54 वोल्ट की, उसके लिए जो जैक दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों हमारे पास 54 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप नहीं है, मार्केट में जल्दी से अवेलेबल हो भी नहीं पाती है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास ये 4 वोल्ट की 3 एलईडी पैलर में लगी हुई है, एडजस्टेबल स्ट्रिप आती है दोस्तों, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है आराम से, जितनी आपको मर्जी है, 3-3 के पेयर से आप इसको जला सकते हैं दोस्तों, हर 3 पेयर पे मार्किंग आती है, तो आपको ये जो ब्रेक करना है तो मार्किंग से ही तोड़ना है दोस्तों इसको। तो हमारी एलईडी स्ट्रिप पुरानी वाली है, उसके बराबर हम इसको मार्किंग से, दोस्तों फाइबर की है, इजीली हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने इसको, जो हमारा एक्स्ट्रा हिस्सा था हमने ब्रेक कर दिया है, हमें जितना यूज़ में लेना है उसके बराबर ने इसको तोड़ कर अलग कर दिया है। तो डायरेक्ट इसको हम 12 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे, 54 वोल्ट से इसका कोई लिंक नहीं रहेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ग्राउंड ग्राउंड और ब्लैक वायर ग्राउंड पे, वाइट वायर हमने पॉजिटिव 12 वोल्ट पे लगाया है। देखिए दोस्तों मेन सप्लाई कनेक्ट कर दिए दोस्तों, ये हमारा जो मेन कार्ड है उसकी स्ट्रिप, पावर स्ट्रिप दोस्तों। ये 54 वोल्ट वाली जो हमारी सप्लाई है उससे कोई हमारा लिंक नहीं है, आप देख सकते हैं, ये किसी काम की नहीं है दोस्तों। एक बार जला कर इसे टेस्ट करते हैं दोस्तों, सप्लाई देंगे, क्योंकि कंप्लीट पैनल में इसको इंस्टॉल करने से पहले टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी होती है दोस्तों। देखिए हमने पुरानी एलईडी के बराबर ही इसको काट के एक्स्ट्रा हिस्सा है जो इसके नीचे रख दिया है, आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर वाली हमारी एलईडी 12 वोल्ट की जो हमने नई लगाई है उसे नीचे रखी हुई है, जो पुरानी हमने इसमें से निकाली है 54 वोल्ट वाली, और नीचे 12 वोल्ट वाली का बचा हुआ हिस्सा रखा है दोस्तों। दोस्तों देखिएगा सबसे ऊपर वाली एलईडी काफ़ी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा आ रहा है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ये पैनल का आप जानते हो सबसे नाजुक हिस्सा होता है, अब एलईडी को हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है दोस्तों। इंस्टॉल करने से पहले इस पर हम जो डबल टेप होती है, डबल टेप लगाकर, लगाने से पहले डबल टेप इसमें लगाएंगे, हम पूरे पे लगाएंगे इसको अच्छे से, दोस्तों आपको पेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है इसका करना,
ताकि पैनल की जो प्लेट है उससे चिपक के रहे, तो एलईडी की हीटिंग भी प्लेट पर निकलती रहती है जिससे एलईडी हमारी जल्दी ख़राब नहीं हो पाती है। जो पैनल का बैक प्लेट होती है हीट सिंक का काम करती है एलईडी पर, क्योंकि एलईडी आप जानते हो काफ़ी हीट होती हैं। दोस्तों देखिएगा, जो इसका कनेक्टर साइड है उधर से हमारा जो एलईडी का वायर है उसको निकालेंगे, उसके बाद साइड में इसको पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इधर से हमने होल में इसका वायर डाला है जो कनेक्टिंग वायर है, और साइड में इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों डबल टेप नहीं हो तो आप और भी कोई इंसुलेशन यूज कर सकते हैं इसमें पेस्टिंग के लिए, जैसा कि मैक्सो बॉन्ड है, फेविक्विक वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, बाकी लगाना काफ़ी सावधानी से है ताकि पैनल में कोई निशान नहीं आए, वरना आपके डिस्प्ले पर कोई भी वाइट पिक्चर आने पर दाग दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, और हो सके तो आपको डबल टेप ही यूज करना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर साइज काटा है हमने। इजीली वन साइड ही रहती है इसमें एलईडी, इससे बड़ा जो साइज आता है सुपर स्लिम में उसमें दोस्तों टू साइड एलईडी होती है। जितना स्लिम पैनल होता है हमने आपको बताया था दोस्तों। अब ये जो इसके ऊपर की जितने भी प्लेट हैं कंप्लीट लगाएंगे हम रिफ्लेक्टर पेपर के बाद में। हमारा जो ये वाइट पेपर आता है, सारे लोग पूरी तरह से बिठाने दोस्तों। दोस्तों फिटिंग आपको काफ़ी सावधानी से करनी होती है पैनल की, आपके हाथ भी बिल्कुल साफ होने चाहिए ताकि कोई डिस्प्ले में निशान नहीं आए। सारे लोग अच्छी तरह से बिठाने दोस्तों इसके, नहीं तो हमारा जो मेन पैनल का जो टॉप ग्लास होता है, जो सबसे महंगा और सबसे नाजुक पार्ट होता है एलईडी टीवी का, वो ब्रेक हो सकता है फिटिंग टाइम। तो दोस्तों लॉक सारे आपको अच्छे से बिठाने हैं। तो दोस्तों एक बार हम मेन ग्लास लगाने से पहले इसको एक बार टेस्टिंग करेंगे, पैनल की ब्राइटनेस देखते हैं कितनी अच्छी आती है। दोबारा से हम इनको वायर को कनेक्ट करेंगे दोस्तों इसमें। देखिएगा दोस्तों 12 वोल्ट पे ही कनेक्ट कर रहे हैं इनको। ये हमारा पॉजिटिव वायर प्लस 12 वोल्ट, ब्लैक वायर ग्राउंड,
लग चुका है दोस्तों, कनेक्ट कर दिया है, तो टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। एक बार देख लेते हैं नीचे कुछ टच तो नहीं हो रहा है, ताकि कोई फॉल्ट नहीं हो, सावधानी पूरी रखनी दोस्तों। देखिए डिस्प्ले में ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो उम्मीद है हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी, ब्राइटनेस कंट्रास्ट काफ़ी अच्छे आएंगे इसमें दोस्तों। पैनल लगा देते हैं, उसके बाद में जो पैनल का टॉप गार्ड है उसे लगाएंगे हम, जो पैनल को लॉक करके रखेगा। तो दोस्तों गार्ड लगाने से पहले पैनल अच्छे से बिठा लेना है कंप्लीट, कहीं से पैनल ऊपर नहीं रहे वरना पैनल आपका क्रैक हो जाएगा दोस्तों। चारों तरफ से अच्छे से बिठा कर दोस्तों, हमें जब इसे प्रेस करेंगे तो ध्यान रखें पैनल पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए हमारा, काफ़ी स्लोली आपको ये काम करना है दोस्तों। लॉक बिठाने के बाद जो इसकी टेप है उसको वापस से लगाने के लिए दोस्तों हम इसमें भी डबल टेप मार देते हैं, डबल टेप लगा कर इसे पेस्टिंग कर देते हैं, ताकि हमारी कॉफ पीसीबी में मॉइस्चर वगैरह से बच के रहे, प्रोटेक्शन के लिए टेप लगी आती है दोस्तों। डबल टेप दूसरी साइड से इसको पकड़ के रखेगी दोस्तों, इसे हम लगा देते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना तो है आप किसी भी इंसुलेशन से ज़्यादा अच्छा है आप डबल टेप ही यूज करें, नीचे वाली जो टेप है उसे भी लगा देंगे दोस्तों। फिटिंग आपको हमेशा प्रॉपर ही करनी है, कोई लूजिंग या किसी टाइप की जल्दबाजी नहीं करनी है। ताकि आपका एलईडी टीवी लॉन्ग लाइफ चले, तो दोस्तों पैनल कंप्लीट हो चुका है, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। जो 54 वोल्ट की स्टिप है, 12 वोल्ट की स्टिप हमारी कनेक्ट है दोस्तों। ये डिस्प्ले की जो जैक है, हमारा एलईडी पैनल की जो, उसे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इसे काफ़ी सावधानी से लगाना है, उसके बाद में ये देखिए दोस्तों इसे लॉक दबा कर ही इसमें लगाना है, लॉक दबा कर ही साइड से इजीली इसे निकालना है दोस्तों। लगभग हमारा टीवी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी टेस्टिंग के लिए एक बार ऑन करेंगे दोस्तों, फिटिंग से पहले चेक करना। ये देखिए दोस्तों काफ़ी कमाल की कंट्रास्ट ब्राइटनेस आ रही है दोस्तों, ये ब्लू बैग देख सकते हैं आप, कितना मस्त कंट्रास्ट आ रहा है इसका, कलर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये इसका फ्रंट जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, काफ़ी अच्छी बात है इसमें, हर एक कंपनी में ये आपको मिलता नहीं है दोस्तों, सभी पेज लगा देने हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब फाइनल टेस्टिंग करते हैं, वीडियो चला कर इसे क्वालिटी देखते हैं किस टाइप का है, चल पाता है पिक्चर।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि किसी टाइप का आप किसी भी टीवी के बारे में, कोई भी एलईडी टीवी हो, सीआरटी टीवी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको हम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये देखिए दोस्तों, हमने पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट किया है। तो दोस्तों काफ़ी कमाल के कलर आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।